whose adjacent sides are A vector is equals to 3i cap plus j cap plus 4k cap and B vector is equals to I cap minus j cap plus k cap. ठीक है, क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने बताना है. अब दो फॉर्मूले बताए थे, एक डायगोनल वाला मैंने बताया था, एक मैंने आपको बताया था. जब हमारे पास एडजेसेंट साइड्स जो होंगी वो गिवन होंगी, तो यहाँ पे क्या है, यूज होना है आपका एडजेसेंट साइड्स का. ठीक है, जहां पे आपके पास ए वेक्टर भी देके रखा है गिवन और बी भी देके रखा है, तो आप कैसे करोगे, देखो आपको पता है सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, ए क्रॉस बी और उसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड मोड. तो ये देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनिंग फॉर्म में मैं लिख देती हूँ उसको. I कैप J कैप K कैप, ठीक है, 3 1 4 3, ठीक है, 3 क्या, I के साथ क्या है आपके पास 3 है, J के साथ क्या है 1 है, देन K के साथ क्या है 4 है. सिमिलरली यहां देखो B, B में I के साथ 1 है, ठीक है, J में क्या है -1 है और K में क्या है 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस का और माइनस का भी अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है, तो 3 1 4 1 -1 और 1, आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो ये आएगा आई कैप, ठीक है, आई कैप, तो आई कैप वाला छोड़ देना आपने, एंड दिस वन ये आ जाएगा 1 × 1 दैट इज 1, बीच में क्या यूज होता है माइनस में, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 4. ठीक है, आई कैप प्लस का होता है, देन आपके पास जो जे कैप होता है वो माइनस का होता है. ठीक है, माइनस का जे कैप, तो ये वाला आप नहीं लोगे एंड ये वाला नहीं लोगे, तो 3 1 3 -4 1 4 प्लस क्या हो जाएगा के कैप, तो के कैप में के वाला जो आपका कॉलम है वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे. ठीक है, एंड ये वाला आपका और ये वाला नहीं आएगा, मतलब क्या आ जाएगा -3 -1. ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दिस इज योर 4i कैप, ठीक है, सॉरी 4 + 1 दैट इज योर 5 प्लस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जे कैप आपके पास सिंपल जे कैप बचेगा और -4k कैप. अब क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका क्या लेंगे, मोड लेंगे, मतलब इसका हम क्या लेंगे, मोड लेंगे अभी. ठीक है, क्या क्या आपने आई कैप, आपने आई कैप जब लेना है तो आपने आई कैप वाला कॉलम और ये वाली अपनी फर्स्ट रो जो होती है आई जे के, इसको छोड़ के इनकी मल्टीप्लाई की, हमने बीच में माइनस का साइन यूज होता है. यहाँ ध्यान रखना है जे जे कैप में बाहर क्या होता है, माइनस यूज होता है. ठीक है, और देन प्लस का होता है आपका के कैप. सॉल्व जब इसको करोगे तो अब क्या, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपके पास मैंने फॉर्मूला बताया था पैरेललोग्राम का, उसके अकॉर्डिंग है क्रॉस बी एन उसका मोड है ना, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा एंड इसका 16 आ जाएगा. दिस इज योर 25 + 1 एंड इसका भी अगेन स्क्वायर करोगे तो दिस इज योर प्लस का 16. सो ये आपका अंडर रूट 42 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट. ठीक है, अंडर रूट 42. ठीक है, सिर्फ आपने क्या कर दिया, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर दैट इज योर 16, 1 का 1, 5 का 25, अंडर रूट 42 स्क्वायर यूनिट. तो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है. Thank you.
है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओगे, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है जिसके पास हैविंग वेक्टर्स क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वेक्टर्स आपके पास क्या क्या देख के रखे हैं, ए है आपके पास 1, 1, 2, बी है आपके पास 2, 3, 5 एंड सी है आपके पास 1, 5, 5 ठीक है। ए का ए के पास क्या क्या देख रखा है आपके पास 1, 1, 2, बी में 2, 3, 5 और सी में 1, 5, 5। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इनको आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में। ए वेक्टर आपके पास बनेगा जिसके अकॉर्डिंग देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बनेगा ठीक है। बी वेक्टर क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड सी वेक्टर जो है आपके पास वो क्या बन जाएगा i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k ठीक है। तो दिस इज योर ए बी एंड सी इन वेक्टर फॉर्म। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको था पता फॉर्मूला क्या दिखाया था 1/2 ए क्रॉस बी और उसका मोड। सबसे पहले देखो अब यहाँ पे जब तीन देखे रखे होंगे तब क्या करोगे, सबसे पहले आप ए बी निकालोगे ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर निकालोगे सॉरी ए बी वेक्टर निकालोगे और ए सी वेक्टर निकालोगे और उसका मोड ले लोगे ठीक है। तो सोल्यूशन यहां से शुरू हो चुका है आपका ठीक है। देखो अब आप क्या कर रहे हैं, आपने ए बी वेक्टर निकालते हैं, ए बी वेक्टर क्या निकलेगा 2 - 1 2 कैसे निकालना, देखो आई कैप के साथ इसमें क्या है 2 है यहाँ पे क्या है 1 है तो 2 - 1 ए बी वेक्टर में ठीक है 2 - 1 × 2 आई कैप प्लस 3 - 1 × जे कैप प्लस 5 - कितना है 2 × के कैप। दिस इज 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 1 जे कैप प्लस 5 - 2 के कैप। तो जिसको अब आप सॉल्व करोगे आपके पास बनेगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप क्या है आपके पास जब आप इसको सॉल्व करोगे। सो दिस इज योर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसी तरीके से आपने सॉरी ए सी वेक्टर निकालना है ठीक है। तो ए सी वेक्टर जब आप निकालो देखो 1 - 1 वो तो हो गया ना, प्लस जे में क्या है 5, जे में 5 - 1 प्लस के में आपके पास है 5 - 2 ठीक है। तो ये आपके पास आया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ के 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप आएगा। देखो 1 - 1 0, 5 - 1 4, 5 - 2 3, तो आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया जैसे आपने लगाया था ठीक है। तो ये आपके पास दोनों आ गए। अब आपने सिंपली क्या करना है 1/2 मोड ए बी क्रॉस ए सी, मतलब आप क्या करोगे अभी, और क्रॉस हमने कैसे निकाला वो भी मैंने आपको बताया। तो पहले हम क्या करते हैं, दिस इज 1/2 ये फॉर्मूला होता है ठीक है। सो दिस इज 1/2। अब आप इसको क्या करोगे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दोगे आई कैप जे कैप के कैप
आई कैप, जे कैप, के कैप। अब क्या इसके एलिमेंट्स लिखते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा आपके पास देखो 1, 2, 3, दिस इज 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट में आएगा 0, 4, 3, ठीक है, 0, 4, 3 एलिमेंट्स लिखे जो वेक्टर फॉर्म में आपने वेक्टर बनाए ना, ये वैल्यूज लिखी देखो 1, 2, 3, ठीक है, 0, 4, 3, ठीक है, लिख दी। अब हम जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 1/2, आप एज इट इज रखोगे, दिस इज योर, मैं आपको आंसर लिख के दे दूं सीधे, तो ये आपका रहेगा -6i cap -3j cap +4k cap, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेगा, सॉल्व जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम वैसे सॉल्व करना है आपने, 1/2 एज इट इज रखना है, ये वाला डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करना है, ठीक है। तब आप -6i cap आएगा -3j cap +4k cap, ठीक है। अब हम क्या करते थे, 1/2 एज इट इज एंड स्क्वायर ऑफ इनका, तो 36 + 9 + 16, तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा इट इज 1/2 √61² यूनिट, ठीक है। बस प्लस और माइनस का ध्यान रखना है आपने और फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, तीन वेक्टर है तो उसको आप पहले दो में अरेंज करो, कैसे, ए बी निकाला देन ए सी निकाला, ठीक है। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में मतलब जो भी उनको आंसर उनके जो आए वो फिर आपने डिटर्मिनेंट में इस तरीके से निकाले, ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि एंगल का, जैसे मैंने आपको बताया था तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये 1 है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले तो एंगल के तो दो फॉर्मूले थे, हम आपको देखो यहाँ पे डॉट गिवन है, डॉट वाला यूज करोगे, क्या होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फ्रॉम हियर योर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ए डॉट बी 1, दिस इज योर 1 × 2, दिस इज 1/2, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको cos की 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है ये पता होना चाहिए, सो यहां से आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या रेडियन में हम देखें तो ये पाई बाय 3 के बराबर होता है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो कब होता है ये, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 डिग्री जो है वो अगर हम रेडियन में देखें तो पाई बाय 3, तो ये निकल गया इसका एंगल, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास एक वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आता हुआ आते हैं आपके डायरेक्शन को साइंस, ठीक है। तो क्या होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन, हम निकालते कैसे हैं, ठीक है,
ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ कि इनको हम निकालते कैसे जब आपको क्वेश्चन बनेगा इस तरीके का। तो क्वेश्चन है आपके पास, आपको फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइन किसके, ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस वेक्टर बोला है ना। सो आपके पास है क्वेश्चन कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं किसके, ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, कैसे करोगे? सो हियर इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले आपने देखो क्या करना है, इसका क्या वेक्टर इज, दिस इज योर गिवन मेथड, वेक्टर इज क्या देके रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अंडर रूट ले लेना है और इन टर्म्स का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, कोसाइन निकालने के लिए क्या क्या, जो वेक्टर था लिखा आपने, फिर उसके बाद क्या किया, अंडर रूट एंड स्क्वायर ऑफ ईच टर्म। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना